सबसे पहले हम पिज्जा पफ के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये 1 बाउल आटा लिया है। गेहूं का आटा हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हेल्दी होता है और ऑल पर्पस फ्लोर जिसे कि हम मैदा भी बोलते हैं वो उतना हेल्दी नहीं है, लेकिन हम 1/2 बाउल मैदा भी ले रहे हैं। फिर हम ये 1 छोटा चम्मच सूजी डालेंगे। फिर हम ये थोड़ा सा नमक यूज कर रहे हैं। फिर ये 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। यूं करके मोयन इसको बोलते हैं। अच्छी तरह से हमें पहले मोयन कर लेना है। ये हमारा आटा जो है बहुत अच्छे से मोयन हो गया है। अब हम इसमें फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ करेंगे गूथने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूथेंगे। डो को ना ही बहुत सॉफ्ट गूथते हैं ना ही बहुत हार्ड, थोड़ा स्टिफ ही रखते हैं ताकि ये अच्छे से बेला जा सके। अब हम डो पर ऑयल की ग्रीसिंग कर देंगे इस तरह से और कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। जब तक में हमारा डो सेट हो रहा है उतनी देर में हम जो है पिज्जा पफ की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे। लो मीडियम रख के हम उसमें जो है 2 टेबलस्पून फूड ऑयल डाल देंगे। हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो हम इसमें सबसे पहले बारीक ग्रेट किया हुआ जिंजर डालेंगे जो कि हमने 1/2 से 1 इंच टुकड़ा लिया हुआ था। फिर हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन 4 से 5 कली डालेंगे और हल्का सा जो है चलाएंगे। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। इन्हें हम जो है 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए 2 गाजर के पीसेस डालेंगे ग्रेट किए हुए और इन्हें भी हम चलाते रहेंगे। फ्लेम को हमें जो है लो टू मीडियम ही रखना है, फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं होनी चाहिए। हमारी गाजर भी हल्की भुन सी गई है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 शिमला मिर्च डालेंगे। सारे वेजिटेबल्स को हमें जो है 1 से 2 मिनट तक भुनना होगा। जैसे कि गाजर थोड़ी हार्ड होती है और ये सब एकदम कच्चे नहीं होने चाहिए तो इन्हें हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन ऐसे ही चलाते हुए। अब हम इसमें बारीक पिसा हुआ 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हुए हैं। अब हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का अगर आपको प्रॉब्लम हो, अभी लॉकडाउन चल रहा है थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो आप अगर कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो जो पाउचेस आए होते हैं उसमें ये सारे स्पाइसेस होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, तो आप वो भी स्टोर करके रख सकते हैं और ऐसे समय में यूज़ में ला सकते हैं। और सबसे लास्ट में अब हम इसमें सॉल्ट डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके 1-2 मिनट तक और भूनेंगे इन्हें। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें 1 स्पून टोमेटो सॉस और 1 स्पून ग्रीन चिली सॉस डालकर अच्छी तरह से 1/2 मिनट तक और मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है टोमेटो सॉस की जगह आप टोमेटो केचप या फिर रेड टमाटो भी सीडलेस डाल सकते हैं बारीक कट करके, पर यहाँ पर मैं जो है टमाटो केचप यूज़ कर रही हूँ। ये सारी
सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने छोड़ देंगे। ये मिक्सचर जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें हाफ कप यानी लगभग 100 ग्राम तक ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। ये जो है हमने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। हमारे जो है पिज्जा पफ की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। अब हाथों में जो है थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे दोनों हाथ में, और फिर उसके बाद ये जो हमारा आटा हमने सेट होने को रखा था डो, उसकी हम जो है 2-3 लोइयां, इतने में 4 लोई हमारी बन रही है, इतने में हम 4 लोई बना के ये रख लेंगे। अब एक लोई हम लेके अच्छे से उसकी बॉल बना लेंगे, फिर उसके बाद इसे हमें बेलना है। ऑयल की हेल्प से ही हम इसे बेलेंगे। ये हमें जो है ना बहुत मोटा रखना है ना ही बहुत पतला, क्योंकि पतला रखने से स्टफिंग हमारा जो फ्राई करेंगे तो फटने का डर रहेगा, और बहुत मोटा करेंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको हमें जो है मीडियम बेलना है। ये हमने जो है आटा लिया हुआ था, तो इससे आपको कलर इसका थोड़ा डार्क नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैदा की क्वांटिटी इसमें हमारी कम ही थी। ये हमारी रोटी जो है अच्छे से बिल गई है। इसे हमें जो है किनारों को पहले हमें काट के हटा देना होता है। ये हमें जो है रेक्टेंगुलर शेप में बनाना रहता है, तो रेक्टेंगुलर मतलब हुआ कि चौड़ाई हमारी कम रहेगी और लंबाई ज्यादा रहेगी। अभी भी देखिए जैसे ये टेढ़ा कटा है, तो इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हो गया इक्वल साइज। अब हम इसको मेजर कर लेंगे। अगर आपको गेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे देखिए हमारा ये 5 है, तो हम इसको इसके बीचों बीच से 2 पार्ट में कट कर लेंगे ताकि ये इक्वल साइज का बन सके। अब हम इसके ऊपर पानी से जो है चारों बॉर्डर को लगा लेंगे, या फिर ऑयल की भी ग्रीसिंग कर सकते हैं, लेकिन पानी या फिर मैदे की जो एक लिक्विड सा हम बनाते हैं पेस्ट बना के भी कर सकते हैं, हालांकि वाटर इज एनफ। ये सिर्फ हमारा जो है स्टिकिंग का काम करता है। अब हम एक जो है पार्ट के ऊपर स्टफिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं 1 स्पून से थोड़ा सा ज्यादा ही आया है, और इसे बहुत अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। अब दूसरे वाले साइड को हमें इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। ऊपर रखने के बाद हम जो है चारों किनारों को अच्छी तरह से चिपका देंगे ताकि जो हमारा स्टफ है वो बाहर ना निकले। ये हमारा जो है चारों तरफ से बहुत अच्छे से चिपक गया है। अब जो है फॉक की हेल्प से हम इस पे जो है थोड़ी सी डिजाइनिंग देंगे, थोड़ा हल्के हाथों से ही रखेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो ये चिपक भी जाएगा अच्छी तरह से, दूसरे जो है इसमें डिजाइनिंग भी बन जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से उठा के एक जगह रख लेंगे। तो इस तरह से जो है हम बाकी के पिज्जा पफ भी बेल के स्टफ करके रख लेंगे। हमारे पिज्जा पफ देखिए बेल के स्टफ होके रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने की ओर चलते हैं। तो हमने एक कढ़ाई में ऑयल रख लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। फ्लेम यहाँ भी हम जो है मीडियम रखेंगे, और पिज्जा पफ एक एक या दो दो करके हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ये देखिए एक साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है,
इस तरह से हम पलट पलट के इन्हें दोनों साइड से पकाएंगे। इसको वैसे तो हम नॉर्मली टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर मस्टर्ड सॉस भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कई तरह की चटनियां भी यूज की जाती हैं, तो अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है। तो इस तरह से दोनों साइड पलट पलट के हमें सेक लेना है। ये देखिए सारे जो है पिज्जा पफ फ्राई होके तैयार हो गए हैं। एक हम इसको देखिए आपको तोड़ के भी बता देते हैं कि ये कैसा बना है। बिल्कुल फूला फूला और अंदर से देखिए बिल्कुल ये चीज़ी निकल रहा है। स्क्रीन पे राइट साइड में आई बटन है, उसको प्रेस करके आप जो है और भी टेस्टी स्नैक्स देख सकते हैं।